हेलो दोस्तों, तो आज हम आपकी ज्योग्राफी के वीक फोर के प्री क्योर में एज़ यूजुअल जैसे कि हम टॉपिक्स को डिवाइड करके पढ़ाई करते हैं, देखते हैं इस हफ्ते जियोपॉलिटिक्स में क्या है। जियोपॉलिटिक्स में G20 वाज़ अ न्यूज़, रादर G20 समिट 2019 कहाँ पे हुआ है, ओसाका इन जापान। सो G20 इज़ बेसिकली इंटरनेशनल फोरम राइट फॉर गवर्नमेंट एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स, ठीक है, फ्रॉम 19 कंट्रीज एंड यूरोपियन यूनियन। ध्यान देना, यूरोपियन यूनियन प्लस 19 कंट्रीज, ठीक है। इट वॉज फाउंडेड इन 99। इसका एजेंडा क्या था? टू डिस्कस पॉलिसी इन कॉन्टेक्स्ट विद प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तो याद रखना, G20 हमेशा ही फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में बात करेगा, राइट। इसको फॉर्मली समिट ऑन फाइनेंशियल मार्केट्स एंड वर्ल्ड इकोनॉमी भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को केटर करता है, राइट। इंडिविजुअल कंट्रीज 19 एंड यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन इज एक्चुअली रिप्रेजेंटेड बाय यूरोपियन कमीशन एंड यूरोपियन सेंट्रल बैंक। तो एक बार क्वेश्चन आया हुआ आपका, ECB इन तीनों में से क्या रिप्रेजेंट करता है? वन ऑफ द ऑप्शन वॉज यूरोपियन सेंट्रल बैंक, ठीक है, ओके। सो G20 इकोनॉमीज क्यों इंपॉर्टेंट है ना, वाई ओनली G20 पीपल आर डिस्कसिंग अबाउट इकोनॉमी? क्योंकि इनका जो ग्रॉस वर्ल्ड प्रोडक्ट है 90% ऑफ दैट इज इंक्लूडेड इन दिस। बेसिकली जितनी इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं इकोनॉमी की टर्म्स में वो इसमें इंक्लूडेड हैं। इसमें जो कंट्रीज हैं वो 80% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड को कैटर करती हैं, राइट। पॉपुलेशन की टर्म्स में 2/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन एंड वर्ल्ड एरिया के टर्म्स में अप्रॉक्सीमेटली हाफ ऑफ द वर्ल्ड एरिया इस एक ऑर्गेनाइजेशन में रिफ्लेक्ट हो जाता है, ठीक है। आफ्टर द एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस 97-98 इट वॉज नेसेसरी कि जितनी भी इमर्जिंग मार्केट कंट्रीज हैं राइट ये फाइनेंशियल सिस्टम को डिस्कस करना शुरू करें। तो इनिशियली जो G7 फाइनेंस मास्टर्स थे, जस्ट गो बैक एंड चेक कि G7 में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, क्या इंडिया इसका मेंबर था या नहीं था, राइट। इन्होंने डिसाइड किया कि हम एक G20 करके ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे विच विल केटर टू फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर मिनिस्टर्स, ठीक है। और 99 में इसका मीटिंग हुई थी, ठीक है। बट इवेंचुअली इट टुक अ डिफरेंट रोल। ग्रुप का कोई परमानेंट स्टाफ नहीं है, राइट। हर साल ये रोटेटिंग चीजें लेते हैं, हर साल रोटेटिंग कंट्री इसकी चेयर लेती है। इस साल जापान है इसीलिए जापान में हो रहा है, ठीक है। चेयर रोटेट करती है एनुअली अमंग द मेंबर्स, ठीक है। जिसके पास भी होगी उसके पास एक टेम्पररी सेक्रेटरी होगा। और जैसे कि मैंने बताया करंट चेयर है जापान में, इसीलिए ये वाला समिट कहाँ हो रहा है? जापान में हो रहा है, ठीक है। 2008 में इसका डेब्यू समिट हुआ था, ठीक है, एंड उसके बाद 2009 में एंड 2010 में, ठीक है। तो मैंने आपको जगह भी दी हुई है फॉर योर कन्वीनियंस कि 2009 में कहाँ हुआ था एंड 2010 में कहाँ हुआ था, ठीक है। उसके बाद व्हाट हैपेंड इज 2009 में अगर आप ध्यान दो, दे मेट ट्वाइस इन अ ईयर, ठीक है, एंड अगेन 2010 में भी दे मेट ट्वाइस इन ईयर। हम ये चीज़ें भूल जाते हैं, राइट। लंडन एंड पिट्सबर्ग एंड देन टोरंटो एंड सियोल, दोनों में ही दे मेट ट्वाइस इन अ ईयर। जब फ्रांस में हुआ, राइट, उसके बाद इट वॉज हेल्ड ओनली वंस अ ईयर, ठीक है। फॉर योर कन्वीनियंस मैंने आपको दिया हुआ है 16 में कहाँ हुआ, 17 में कहाँ हुआ एंड 18 में कहाँ हुआ, अर्जेंटीना में हुआ, राइट। एंड G20 19 का कहाँ हो रहा है? जापान में हो रहा है। तो दीज डेटाज आर वेरी इंपॉर्टेंट, इन पे डेफिनेटली क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। फुल मेंबरशिप, इसकी मेंबर्स कौन कौन है, जैसे कि मैंने सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताई, इंडिया मेंबर है या नहीं है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड नो, ठीक है। आप देखोगे इंडिया के आसपास में चाइना मेंबर है, राइट, पाकिस्तान मेंबर नहीं है। तो ऐसे जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं हमारे आसपास की, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि इफ दे आर अ पार्ट और नॉट, ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखो एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्या न्यूज़ है। एग्रीकल्चर में फोर्टिफाइड राइस बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, क्योंकि फाइनेंशियल असिस्टेंस देने की बात हुई है फोर्टिफाइड राइस के लिए। इट्स अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, राइट, अंडर डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें जो फाइनेंशियल असिस्टेंस होगी, नॉर्थ ईस्टर्न हिली और आइलैंड स्टेट को 90% फाइनेंस करेगी सेंटर और 75% बाकी स्टेट्स को। फोर्टिफिकेशन क्या होता है? जब आप खाने में डेलिबरेटली कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिला देते हो उस खाने की न्यूट्रिशनल क्वालिटी को बढ़ाने के लिए, राइट। तो फोर्टिफिकेशन क्या कहती है? डेलिबरेटली इंक्रीजिंग द कंटेंट ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट, फॉर एग्जांपल विटामिंस एंड मिनरल्स, टू इंप्रूव द न्यूट्रिशन क्वालिटी ऑफ द फूड। उससे एजेंडा क्या होगा? हेल्थ बेनिफिट होगा। क्या क्या न्यूट्रिशन आप ऐड कर सकते हो? विटामिन ए, B1, B12, फॉलिक एसिड, आयरन एंड जिंक। रादर WHO क्या बोलता है कि फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस विद आयरन, ये तो बहुत ही ज़्यादा रिकमेंडेड है, क्योंकि यूजली आयरन डेफिशिएंसी पाई जाती है, इसलिए आयरन स्टेटस ऑफ द पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए ऐसी जगह जहाँ पे राइस स्टेपल फूड है, राइस के साथ आयरन मिलाना ज़रूरी है, ठीक है। अगेन राइस के साथ विटामिन ए को भी केटर करने की बात करता है WTO, एंड इट सेज कि राइस एंड फॉलिक एसिड भी आप
आगे बात कर सकते हो. तो ध्यान देना, जनरल फोर्टिफिकेशन है कि कंटेंट ऑफ एसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट इन एनी काइंड ऑफ फूड, ठीक है. बट WHO की स्पेसिफिक रिकमेंडेशन मैंने आपको राइस में बताई है. क्यों? क्योंकि राइस फोर्टिफिकेशन आपके न्यूज में थी, ठीक है. तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है. हो सकता है आपने ध्यान ना दिया हो कि मैंने ऊपर फोर्टिफिकेशन सभी चीजों में बोला है, सिर्फ राइस में नहीं बोला है. बट इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में इट इज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ राइस. तो ये जो फोर्टिफिकेशन है कौन केटर कर रहा है, राइट? FFSAI, फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया. कौन से रूल्स के अंदर? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड रेगुलेशन एंड 2016, ठीक है. सो अगर आप चाहते हो यू कैन गो बैक एंड रीड इन रूल्स की समरी, बहुत ज्यादा नेसेसरी नहीं है, बट यू कैन गो बैक बिकॉज इवेंचुअली जब कभी डिस्कशन होगा आई डिस्कस इट, ठीक है. नेक्स्ट इज स्पेस एक्टिविटीज बिल, ठीक है. स्पेस के कॉन्टेक्स्ट की बात हो रही है तो स्पेस एक्टिविटीज बिल जो है, दिस नीड्स टू रादर, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रमोट एंड रेगुलेट द स्पेस एक्टिविटीज ऑफ इंडिया, ठीक है. एक तो स्पेस एक्टिविटीज ऑफ इंडिया को प्रमोट करने की बात करें एंड पार्टिसिपेशन ऑफ नॉन गवर्नमेंटल एंड प्राइवेट सेक्टर की भी बात की जा रही है. किसके अंडर होगा ये? डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर. सेलिएंट फीचर्स क्या बताए जा रहे हैं स्पेस बिल के, रादर स्पेस एक्ट के, कि एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया पे लागू होगा, ठीक है, जो कि किसी भी स्पेस एक्टिविटी में इंक्लूडेड है, चाहे इन इंडिया चाहे आउटसाइड इंडिया, ठीक है. एक नॉन ट्रांसफरेबल लाइसेंस दिया जाएगा, जो भी बंदा स्पेस एक्टिविटी को कमर्शलाइज करना चाहता है, उसको क्वेटा करना चाहता है, लाइसेंस कूडेंट बी ट्रांसफर टू एनीबडी अपार्ट फ्रॉम हिम, ठीक है. अगेन जितने भी स्पेस ऑब्जेक्ट्स हैं उनका एक रजिस्टर बनाया जाएगा और उस स्पेस ऑब्जेक्ट के लिए जो भी लाइसेंसिंग है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, फीस है, उसको भी रेगुलेट किया जाएगा, ठीक है. ओके, जितने भी सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स हैं, कॉन्डक्ट हैं, राइट, या एक्सीडेंट इंसिडेंट्स हैं, उनको भी इंश्योर किया जाएगा दैट दे आर डन इन अ प्रॉपर वे, ठीक है. जो भी प्रोडक्ट्स हैं क्रिएटेड बाय स्पेस एक्टिव टेक्नोलॉजी, उन्हें की डिटेल्स भी शेयर करना वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. अगेन पनिशमेंट भी केटर की गई है, ठीक है, और फाइन भी बताया गया है कि अगर आपने कोई कमर्शियल स्पेस एक्टिविटी विदाउट ऑथराइजेशन की तो उसके लिए आपको किस तरह का फाइन्स देना पड़ेगा. और अगर किसी स्पेस एक्टिविटी से एसोसिएटेड आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं, उनकी प्रोटेक्शन की भी बात हो रही है. तो इन जनरल आपको आउटर स्पेस ट्रीटी के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, बिकॉज दिस इज वॉट केटर्स टू दी होल थिंग. आउटर स्पेस ट्रीटी बेसिकली क्या बोलती है? ये इंटरनेशनल स्पेस लॉ का बेसिक लीगल फ्रेमवर्क है. बोलती है कि जो भी मून या बाकी सेलेस्टियल बॉडीज हैं, ठीक है, उन पे, राइट, उन पे फॉर पीसफुल पर्पसेस, ठीक है, आप शायद कुछ वेपन्स यूज कर सकते हो, बट प्रोहिबिट करती है कि आप ऐसे वेपन्स जो कि मिलिट्री मैनूवर्स के लिए यूज हो वो यूज ना किए जाएं. अगर आप कोई मिलिट्री बेस एस्टैब्लिश करना चाहते हो इन सेलेस्टियल बॉडीज पे, दैट इज आल्सो नॉट अलाउड. हाँ, पर ये बोलता है कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन आप नहीं, याद रखना, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन आप प्लेस नहीं कर सकते हो, बट हाँ अगर कन्वेंशनल वेपन्स की बात है तो वो आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हो, ठीक है. ओके, कहाँ पे? एग्जैक्टली ऑर्बिट में. सेलेस्टियल बॉडीज में वैसे भी अलाउड नहीं, आप ऑर्बिट की बात कर रहे हो, ध्यान रखना. पिछले मैंने क्या बोला कि मून या बाकी सेलेस्टियल बॉडीज पे आप कोई भी तरह के मिलिट्री मनूवर नहीं कर सकते. यहाँ मैं क्या बोल रही हूँ कि ऑर्बिट्स में आप प्रोहिबिट करोगे वेपन्स को. नेक्स्ट क्या आपका? जो एक्सप्लोरेशन है आउटर स्पेस, इट शुड ऑलवेज बी इन टर्म्स ऑफ बेनिफिटिंग ऑल दी अदर कंट्रीज. और दूसरी चीज़ वो क्या बोल रहा है कि कोई भी जो सेलेस्टियल रिसोर्स है, मून हो गया, सन हो गया, एनीथिंग, राइट, इनको कोई भी मून प्लैनेट को कोई भी गवर्नमेंट जो है वो अपनी सॉवरेंटी इस पे क्लेम नहीं कर सकती है. कोई भी कंट्री ये नहीं कह सकती कि ऑल दी सेलेस्टियल बॉडीज ये हमारी नेशनल अप्रोप्रिएशन के अंडर आते हैं क्योंकि हमने इन्हें ऑक्यूपाई कर लिया. मान लो कल को अगर US या रशिया मून पे चला जाए और उसे ऑक्यूपाई करने की कोशिश करें, इट विल नॉट बी वैलिड क्योंकि इस ट्रीटी में ऐसा कहा गया है. और अगर आपके किसी भी स्पेस ऑब्जेक्ट से किसी भी सेलेस्टियल बॉडी या ऑर्बिट में कोई दिक्कत आई है तो यू विल बी लायबल फॉर डैमेज. ठीक है, सिंपल था. आउटर स्पेस ट्रीटी पे क्वेश्चन है, देन आल्सो यू विल बी एबल टू केटर. तो स्पेस एक्टिविटीज 2017 के बिल की बात हो रही है, दैट आल्सो यू शुड बी एबल टू हैंडल. नाउ फाल्कन हैवी बहुत ज्यादा न्यूज में था. फाल्कन हैवी बेसिकली वेरी हैवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल है, बहुत ज्यादा हैवी लोड ये कैरी कर सकता है. और ये न्यूज में क्यों था? क्योंकि इसने 2 dozen सैटेलाइट को कैरी किया था इनटू द ऑर्बिट. अब 2 dozen सैटेलाइट में 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं दैट आई वॉन्टेड यू टू नो. पहला है डीप स्पेस एटोमिक क्लॉक. डीप स्पेस एटोमिक क्लॉक क्या होती है, ध्यान देना. एटोमिक क्लॉक बेसिकली क्या होती है? Atomic clocks aboard satellite enable your phone's GPS application to get you from point A to point B by calculating where you are on Earth. ठीक है, अब आपके फ़ोन में जो GPS है वो हमें कैसे बता रहा है कि आप कहाँ से कहाँ आ रहे हो? ठीक है, क्योंकि ये जो सैटेलाइट्स हैं जिनमें एटॉमिक क्लॉक होती हैं, राइट, ये आपके GPS application से कनेक्टेड है.
ठीक है, ये अटोमिक क्लॉक कैलकुलेट करके बता देती है कि आप ए से बी पॉइंट में कहाँ जाओगे. मान लो आपने अपने घर से मार्केट तक जाना है, राइट. सो आपको आ जाता है कि अगर आप मैप पे डालोगे 6 मिनट में पहुंच जाओगे, 7 मिनट में पहुंच जाओगे, कैसे आता है, राइट. ये जो अटोमिक क्लॉक्स हैं इन सैटेलाइट्स में, इन पे वो जो अटोमिक क्लॉक्स हैं वहाँ पे इनेबल की हुई हैं, एंड दे कैलकुलेट द डिस्टेंस एंड दे टेल यू, ठीक है. बट स्पेस क्राफ्ट के बाद तो ऐसा कुछ नहीं है. स्पेस क्राफ्ट बस अपना कोई GPS नहीं है. तो स्पेस क्राफ्ट कैसे करते हैं, देखो ये जो हम सैटेलाइट्स की बात करें ना, जिनमें ये अटोमिक क्लॉक्स है, ये बहुत ज़्यादा दूर नहीं है अर्थ से, है ना, इनका एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है. बट अगर आप स्पेस क्राफ्ट की बात करो, दे गो टू स्पेस काफ़ी दूर डिस्टेंस तक, और उनमें तो जो उनके स्पेस क्राफ्ट है उसमें कोई GPS नहीं लगा हुआ है. रादर ये जो स्पेस क्राफ्ट है ये जो है कोइंसाइडेड होते हैं, रादर कॉन्फिगर्ड होते हैं विद सर्टन अटोमिक क्लॉक्स ऑन अर्थ, ठीक है. तो इनको हमेशा डिस्टेंस मानने के लिए हमेशा सिग्नल भेजना पड़ता है अर्थ वाली क्लॉक्स को, और अर्थ वाली क्लॉक्स इसको कैलकुलेट करके वापस स्पेस क्राफ्ट पे भेजती हैं. बट ऑब्वियसली जितना दूर होगा उतना टाइम कम्युनिकेशन में लगेगा, राइट. तो अल्टीमेटली क्या हुआ है, US ने बोला है, रादर नासा ने बोला है कि हम पहली बार एक अटोमिक क्लॉक जो है स्पेस क्राफ्ट में ही भेज रहे हैं. लेट्स सी हाउ इट वर्क्स, राइट, एंड हाउ, लेट्स सी कि एक साल बाद का पूरा प्रोसेस है, एक साल में बेनिफिट कैसे हो रहा है. समझ में आपको, GPS में बेसिकली क्या हो रहा है, आप यहाँ पे हो, आपके GPS से स्पेस में जो कि बहुत ज़्यादा दूर नहीं है आपके सैटेलाइट, उनमें अटोमिक क्लॉक्स है, वो आपको कैलकुलेट करके दे रही है कि आप यहाँ से यहाँ तक कितनी देर में जाओगे, तभी आपके मैप में आ जाता है 6 मिनट 7 मिनट. पर जब एक स्पेस क्राफ्ट में आप जा रहे हो, स्पेस क्राफ्ट में आपके पास अपना GPS नहीं है, बिकॉज आप बहुत दूर तक जा रहे हो, तो आप क्या करते हैं, यू रिलाई ऑन अटोमिक क्लॉक्स ऑन दी अर्थ, ठीक है. अब क्या बोल रहे हैं नासा वाले कि भाई हम ऐसा करेंगे, हम अटोमिक क्लॉक जो है स्पेस क्राफ्ट में ही साथ भेजेंगे, एंड लेट्स सी हाउ इट वर्क्स, क्या ये अटोमिक क्लॉक जो है पूरे प्रोसेस को बेटर करेगी या नहीं, ठीक है. एक और पेलोड दैट आई वांटेड टू नो अबाउट इज एसेंट ग्रीन फ्यूल. तो बेसिकली क्या होता है, दिस इज मोस्ट सेफर रॉकेट फ्यूल. यूजुअली रॉकेट फ्यूल में हाइड्रोजीन्स होते हैं, राइट, साइंस में भी आप देखोगे, विच आर वेरी टॉक्सिक टू ह्यूमंस एंड एनवायरमेंट. अब जो है ये वाला ग्रीन फ्यूल भेजा गया है जिसका एजेंडा क्या है, एक तो हाइड्रोजीन से जो टॉक्सिकलिटी लेवल्स होते हैं उसको कम करें, प्लस जो लॉन्च टाइम है उसको भी कम करें. अल्टीमेटली क्या होगा, कॉस्ट भी आपकी लोअर होगी. तो दे कुड आस्क यू वन लाइनर्स इस पे, राइट, कि इन इन चीज़ों से आप क्या समझते हो, डीप स्पेस ऑब्जेक्ट क्या है आपका, एसेंट ग्रीन फ्यूल क्या है आपका, एक सोलर पावर सेल को भी कैरी किया है फाल्कन ने. ये बेसिकली पहला स्पेस क्राफ्ट है जो कि विल बी प्रोपेल्ड बाय सनलाइट. तो ये तीनों आपको पता होने चाहिए, हैव बीन कैरीड बाय फाल्कन हैवी, ठीक है. लूनर इवैक्यूएशन सिस्टम. लूनर इवैक्यूएशन सिस्टम क्या है, बेसिकली एक लूनर इवैक्यूएशन सिस्टम असेंबली को ट्राई करने की बात हो रही है, राइट. यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने बनाया है. ये एक स्ट्रक्चर है जिसका एजेंडा है कि अगर लूनर सरफेस पे, राइट, लूनर सरफेस किससे एसोसिएट हो रहा है, मून से, अगर लूनर सरफेस से किसी भी एस्ट्रोनॉट को कोई भी इंजरी होती है तो उसे कैसे बचाया जाए, ठीक है. सो इट विल बी ऑपरेटेड बाय वन एस्ट्रोनॉट टू एक्चुअली सेव अनदर एस्ट्रोनॉट, ठीक है. तो बेसिकली क्या होगा, आप एक एस्ट्रोनॉट एक मूव करेगा उसे, और जो फॉलन कलीग है उसको आप मोबाइल स्ट्रेचर पे पहुंचा सकते हो विद इन 10 मिनट्स, ठीक है, और आप उसको सेफ्टी की जगह पे भी पहुंचा सकते हो, ठीक है. अभी तो इस लूनर इवैक्यूएशन सिस्टम को अंडर सी टेस्ट किया जा रहा है, बट इवेंचुअली वील नो वॉट इज द प्रोग्रेस, ठीक है. तो आप नाम से आपको समझ में आ रहा है, लूनर इवैक्यूएशन सिस्टम, मून पे इवैक्यूएट करने की बात हो रही है. मान लो आप दो लोग हो एंड वन पर्सन इज इंजर्ड, दूसरा बंदा इस जो भी लूनर इवैक्यूएशन सिस्टम असेंबली है इसको यूज करके, आप जो इंजर्ड हो आपको मोबाइल स्ट्रेचर पे एक सेफ्टी वाली जगह पहुंचाया जा सकता है, ठीक है. डेवलप कौन कर रहा है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ठीक है, और अभी इसको अंडर सी टेस्ट किया जा रहा है, ठीक है. रिवर सिस्टम से देखते हैं, न्यूज में क्या था, यमुना वाटर टैक्सी प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा न्यूज में था, राइट. बेसिकली क्या हो रहा है, इसमें डिफरेंट टर्मिनल्स में, राइट, वाटर टैक्सी विल गो, ठीक है. तो इसमें एक तो टर्मिनल डेवलपमेंट होगी और इतने डिस्टेंस को केटर करने के लिए वेसल डेवलपमेंट भी होगी. 16 किलोमीटर का रास्ता है और रिवर यमुना पे 5 locations की बात हो रही है. नाउ आई वॉन्ट यू टू गो बैक एंड रीड अबाउट दी ट्रिब्यूटरीज ऑफ यमुना, ठीक है. ध्यान देना, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज भी पढ़ना और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज भी पढ़ना, ठीक है. अब आप मान लो कि यमुना इस तरह से जाके, राइट, इस तरह से कुछ जा रही है. सो दीज विल बी योर राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, दीज विल बी योर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज. सो जो डायरेक्शन पानी की होती है उसी डायरेक्शन में खड़े होकर आपने देना है राइट कौन सा और लेफ्ट कौन सा. अगर पानी की डायरेक्शन इस तरह होती, राइट, सो दिस वुड हैव बीन योर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, दिस वुड हैव बीन योर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी. तो बी वेरी केयरफुल कि राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी होती है और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी होती है, ठीक है. एग्रीकल्चर से एसोसिएटेड देखते हैं, राइट, फॉर एज इन फॉल आर्मी वर्म बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है. इंडिया में मेज में बहुत
बहुत ज़्यादा ये पाया जाता है वर्म, और पर राइस और सॉर्गम में भी पाया जाता है। ये स्पेसिफिकली ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में पाया जाता है, और अफ्रीका में 2016 में ये पाया गया था। अफ्रीका में पाने के बाद ये इंडिया में भी इवेंचुअली मिला जा चुका है। ठीक है, इसकी स्पेशलिटी क्या है कि ऐसा नहीं है कि ये सीजनल है, ऐसा कुछ है, राइट? इट्स अ कंटिन्यूस पेस्ट, वंस देयर इट विल ऑलवेज बी प्रेजेंट, और ये वहाँ पे उन क्रॉप्स अपनी परमानेंट पॉपुलेशन बना सकता है, राइट? तो इवेंचुअली जो है इट वाज इन कर्नाटका, बट इवेंचुअली महाराष्ट्र, तेलंगाना, सभी जगहों पे ये फैल गया है। कहाँ कहाँ? मेज़ और ज्वार वगैरह में। ठीक है, अब देखना, बहुत सारे तरह का वर्म होता है। एक तो ओरिएंटल आर्मी वर्म होता है, एक फुल आर्मी वर्म होता है, ध्यान देना। फॉ का मतलब क्या था? फॉल आर्मी वर्म। ठीक है, सो एक ओरिएंटल आर्मी वर्म होता है, एक फॉल आर्मी वर्म होता है। ठीक है, जो अगर तुम ओरिएंटल आर्मी वर्म में हो ना, तो ये बहुत ज़्यादा स्प्रेड नहीं करता। तो इनिशियली 2017 में जब आर्मी वर्म आया था इंडिया में, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा ये स्प्रेड नहीं हुआ और मोस्टली कर्नाटका पे ही था। बट अब इसका मोर एवोल्यूशनरी फॉर्म फॉल आर्मी वर्म आ चुका है, जिसकी वजह से, जिसका बेसिक एजेंडा क्या है कि ये फैलता बहुत जल्दी है। रादर इट कैन फ्लाई अप टू 100 किलोमीटर डिस्टेंस एवरी नाइट, जिसकी वजह से ये नए ज्योग्राफिकल रीजन्स में बहुत इजीली फैल जाता है। ठीक है, रादर अगर आप देखोगे कि इसके लिए मैंने आपको ऊपर भी लिखा था, ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स का है ये, राइट? तो जहां पे भी हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट होगा, राइट, वहां पे इस पेस्ट की प्रोपोगेशन की बेस्ट कंडीशंस होती हैं। नेक्स्ट इज रिसोर्सेज, जल शक्ति अभियान बेसिकली रेन वाटर हार्वेस्टिंग और रेन कंजर्वेशन एफर्ट्स हैं। कहाँ पे? 255 वाटर स्ट्रेट डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ दी कंट्री, राइट? तो बेसिक एजेंडा क्या है? वाटर कंजर्वेशन, ठीक है, रेनोवेशन ऑफ वाटर बॉडीज, राइट, रेनोवेशन ऑफ बोरवेल्स, ठीक है, वाटरशेड डेवलपमेंट एंड इंटेंसिव एफॉरेस्टेशन। तो जितने भी ये रेड जोन्स हैं, आप देखोगे वाटर स्ट्रेस ब्लॉक्स हैं, राइट, नॉन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स वाले, एंड वाटर स्ट्रेस ब्लॉक विद एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स कितने हैं? येलो इमेज जो आपको नजर आ रहे हैं, द रेड वंस आर रियली द वंस वेयर मोर वर्क हैज टू बी डन। ठीक है, तो आपको जल शक्ति अभियान पता होना चाहिए, मिनिस्ट्री पता होनी चाहिए, विच इज योर रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। ठीक है, नेक्स्ट इज नेशनल पॉलिसी इन बायोफ्यूल, बायोफ्यूल इज ऑल्सो काइंड ऑफ रिसोर्स। तो अभी नेशनल बायोफ्यूल पर जो पॉलिसी आई है, इट सेज कि हम पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिक्स करेंगे। मिक्सिंग की बात क्यों चल रही है? बिकॉज इफ यू बर्न पेट्रोल कंप्लीटली पोल्यूशन ज्यादा होगा, अगर आप उसमें कोई और बायोफ्यूल मिक्स कर दोगे तो ऑब्वियसली पोल्यूशन कम हो जाता है। अगेन डीजल में भी आप 5% बायोडीजल मिक्स करने की बात कर रहे हो, राइट? तो ये आपके बेसिक ऑब्जेक्टिव है, राइट? सेलिएंट फीचर्स क्या है? आपने बायोफ्यूल को 3 फॉर्म में डिवाइड कर दिया, बेसिक बायोफ्यूल, एडवांस्ड बायोफ्यूल और थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल, राइट? बेसिक बायोफ्यूल इज योर फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल, एडवांस्ड बायोफ्यूल इज योर सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल, एंड देन देयर इज योर थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल। ये 1G, 2G, 3G क्या होता है, नीचे आके देखेंगे। फिर उन्होंने बोला कि इथेनॉल प्रोडक्शन सिर्फ शुगर केन से नहीं होगी, बट और भी जितनी स्वीट चीजें हैं, फॉर एग्जाम्पल शुगर बीट, सोरघम, स्टार्च कंटेनिंग मटीरियल्स लाइक कॉर्न, रॉटन पोटेटोस, इनको भी यूज किया जाएगा इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, पॉलिसी बनाई जाएगी कि जितनी भी सरप्लस फूड ग्रेन्स हैं, ठीक है, जो एक्स्ट्रा फूड ग्रेन्स हैं, उनको भी इथेनॉल की प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाए, राइट? इसके लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग की भी बात हो रही है, और 500 करोड़ की फंडिंग 6 ईयर्स में होगी, इसकी बात हो रही है। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल क्या होता है? जो कि बायोफ्यूल का बेसिक मतलब क्या है? जो लिविंग चीजों से बने हुए हैं कहीं ना कहीं, बायो, ठीक है। तो फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल शुगर, स्टार्च, वेजिटेबल ऑयल से बने होते हैं। सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल जो है, ये नॉन फूड क्रॉप्स, फॉर एग्जाम्पल स्टेम, हस्क, इन सब से बने होते हैं। थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल एल्गी से बने होते हैं, एंड फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल जेनेटिकली इंजीनियर्ड होते हैं, और इसमें कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन कैसे यूज होती है, विल डिस्कस, वील हैव अ लेक्चर ऑन बायोफ्यूल्स एज वेल। ठीक है, जल ही जीवन है, जल ही जीवन बेसिकली हरियाणा का एक स्कीम है, जिसका एजेंडा क्या है? आप फार्मर्स को इनक्रेज करो कि एक तो अपनी क्रॉप डाइवर्सिफाई करें और ऐसी क्रॉप्स यूज़ करें जो कि लेस वाटर कंज्यूम करें, लाइक मेज़, ठीक है। बिकॉज वहाँ पे क्या हो रहा है हरियाणा में, आप पैडी ग्रो किए जा रहे हो, पैडी को बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, स्टेट में 1 मीटर ऑफ वाटर टेबल इज डिप्लीटिंग एवरी ईयर। तो सरकार क्या कह रही है कि आप ऐसी क्रॉप्स यूज़ करो जिसमें पानी कम लगे, और अपनी क्रॉप्स को डाइवर्सिफाई करो। जो भी किसान ये करेगा उसे 2000 रुपए पर एकड़ ट्रांसफर किया जाएगा, एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन 200 रुपए, एंड 1800 आफ्टर वेरिफिकेशन कि उन्होंने ऐसी क्रॉप बनाई है या
ऐसी क्रॉप जिसमें कम पानी लगे उस पर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और जो भी ये डाइवर्सिफाई क्रॉप आप लगाओगे पैडी की जगह, ऑब्वियसली पैडी क्यों उगी है, बिकॉज पैडी इक्वली उनको रेवेन्यू जनरेट कर रही है. अब अगर आप रेवेन्यू कम करके कोई और क्रॉप लगाने की कोशिश करोगे तो ऑब्वियसली आपको रेवेन्यू अल्टीमेटली पूरा नहीं मिलेगा. तो सरकार बोल रही है कि जो भी आप डाइवर्सिफाइड क्रॉप लगाओगे उसको हम एज स्टेट हम प्रोक्योर कर लेंगे. ठीक है, मिसलेनियस में देखते हैं. आई बिलोंग कैंपेन, बेसिकली हैशटैग आई बिलोंग कैंपेन था ये. ठीक है, बेसिकली ये यूएन रिफ्यूजी एजेंसी का कैंपेन था जो 2014 में आया था. आई बिलोंग कैंपेन बोलता है कि हमारा एजेंडा है कि बाय 2024 हम ऐसे जितने भी लोग जो स्टेटलेस बॉर्न हो रहे हैं उनको हम स्टेट देंगे और उनकी जो स्टेटलेसनेस की कंडीशन है उसको रिजॉल्व करेंगे. कहने का मतलब क्या है, अब तुम मान लो फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं कि असम में नेशनल रजिस्ट्रार फॉर सिटीजन्स आ रहा है. ठीक है, इतने सारे लोग हैं, आपने 100,000 लोगों को कह दिया कि भाई इनके पास सिटीजनशिप ही नहीं है इंडिया की. राइट, अब मान लो फिलहाल उनकी सिटीजनशिप की कंडीशन कंफ्यूजिंग स्टेट में है कि है या नहीं है. अब मान लो उनके आगे बच्चे होते हैं तो वो तो स्टेटलेस है ना, दे आर नॉट एसोसिएटेड विद एनी स्टेट. इंडिया कह रहा है भाई आप हमारे सिटीजन नहीं हो, और जहाँ से भी वो आए हैं या जहाँ भी मान लो और कहीं प्रोबेबिलिटी हो सकती थी, दैट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल. सो दोज पीपल आर सपोज टू बी स्टेटलेस पीपल बिकॉज दे आर नॉट एसोसिएटेड विद एनी स्टेट. ठीक है, तो यूएन रिफ्यूजी एजेंसी बोलती है कि वी विल एक्चुअली रिमूव दी स्टेट ऑफ स्टेटलेसनेस विद अ लॉट ऑफ पीपल. ठीक है, तो इस कैंपेन का नाम क्या रखा गया, हैशटैग आई बिलोंग कैंपेन, दैट आई बिलोंग टू सम स्टेट. लास्ट न्यूज है आपकी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरनेशनल सीड टेस्टिंग एसोसिएशन, नाम से पता लग रहा है. राइट, इनका एजेंडा क्या है, टू डेवलप एंड पब्लिश स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स इन द फील्ड ऑफ सीड टेस्टिंग. 1924 में आई थी. तो बेसिकली क्या चाहते हैं कि सीड क्वालिटी इवैल्यूएशन में यूनिफॉर्मिटी आए. कैसे आए यूनिफॉर्मिटी, राइट, जब एक अग्रीड रूल्स होंगे फॉर सीड सैम्पलिंग, सीड टेस्टिंग, इंटरनेशनल सीड एनालिसिस सर्टिफिकेट्स, बहुत ज़्यादा अग्रीड रूल्स और कॉमन होंगे. ठीक है, जितनी भी नॉलेज है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में उसको भी ये शेयर करेंगे. अल्टीमेटली दे वॉन्ट टू केटर टू फूड सिक्योरिटी ऑफ योर कंट्री. ठीक है, सिंपल था, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए. दोबारा बता रही हूँ, इफ यू वॉन्ट टू डाउनलोड ऑल आर कंपाइलेशंस यू हैव टू गो टू www.sleepyclasses.com. कंपाइलेशंस के सेक्शन में जाओगे, कंपाइलेशंस में आप प्री क्योर के सेक्शंस में जाओगे, सब्जेक्ट वाइज डिविजन्स हैं और जिस भी सब्जेक्ट का आपको प्री क्योर चाहिए वहाँ पे अवेलेबल है. ठीक है दोस्तों, चलो ओके, बाय बाय.